हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल पी सी एम बी डिजिटल गुरुकुल तो सेवन पॉइंट फाइव हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बेटे दैट इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन अब तक की फर्स्ट सेक्शन से सेवन चैप्टर तक की सभी वीडियोस आपको ट्वेल्थ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज द स्पेसिएशन की जो वेरिएशन आती है ये जो बदलाव आता है जिसके कारण हमने कल क्लास में पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ ज़्यादा सर्वाइव करती है दूसरे से वो कैसे होता है और नई स्पीशीज़ कैसे बनती है इसके लिए जो मेंडल था उसने हालांकि फैक्टर्स की बात करी थी कि कैसे चीज़ें इनहेरिट होती हैं लेकिन डार्विन ने इस बात को इग्नोर किया या इस पर चुप रहा हीगोडी वेरीज़ ने प्राइम रोज़ नाम के एक प्लांट पे वर्क किया और बताया कि एक पॉपुलेशन में सडनली बड़े डिफरेंसेस आ सकते हैं वो डार्विन की तरह छोटे छोटे वेरिएशंस के फेवर में नहीं था बल्कि वो बड़े वेरिएशंस यानी कि म्यूटेशन के फेवर में था और उसका कहना था कि जो बड़ी वेरिएशन या म्यूटेशन हैं वो रेंडम और डायरेक्शनलेशस होती हैं जबकि डारविन की वेरिएशन स्मॉल और डायरेक्शनल होती हैं राइट right? डायरेक्शनल मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड टाइप इवोल्यूशन फॉर डार्विन डारविन ग्रेजुअल डी डीवेरियस का मतलब था कि स्पेसिएशन जो है वो बड़ी वेरिएशन के कारण एक ही बार में हो सकती है जिसको उन्होंने कहा सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन या मैक्रोजेनेसिस बाद में पॉपुलेशन जेनेटिक्स को स्टडी कर कर इस पर और क्लैरिटी लाई गई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग अस